इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। जी हाँ, राजधानी पटना के सबसे बड़े, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले, जहां जूनियर डॉक्टरों ने काम को बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काम को ठप कर दिया है। मरीज के परिजनों के साथ नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। पुलिस के साथ जो है नोकझोंक के बाद जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है। तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं वो काम को ठप कर दिया है। और तस्वीरें कुछ और ही ब्याह कर रही है। देखिए, कल ही तेजस्वी यादव रात में, बीती रात को जो है पीएमसीएच का उन्होंने जायजा लिया था, कई मरीजों से हालचाल पूछा था, कई चीज़ों की कमियां पाई गई थी, जिसके बाद आज सुबह जूनियर डॉक्टर के साथ परिजनों के, जो मरीज के परिजन हैं उनके साथ मारपीट जैसी स्थिति हुई थी। और उसके बाद जो है मौके पर पुलिस 112 को बुलाया गया, और उसके बाद जो है पुलिस ने जो है नोकझोंक की है जूनियर डॉक्टरों के साथ। और नोकझोंक करने के बाद पूरी तरीके से हंगामा की तस्वीरें आ रही है, जूनियर डॉक्टरों ने काम को ठप कर दिया है। देखने के लिए तैयार हैं क्या? आप लोगों के साथ मारपीट भी हुई है? जो 112 वाले आए उन्होंने तो धमकी दी, जिनकी समस्या जो हमारा अपना टीओपी है पीएमसीएच के अंदर, जिनके कि अमरेंद्र कुमार प्रभारी हैं, उनका व्यवहार बहुत ही निराशाजनक पूर्वक रहा। इन दौरान 5 बजे की घटना है, उनको 5 बजे से फ़ोन किया जा रहा है और वो हम डॉक्टरों से पहली बार 10 बजे के आसपास मिले हैं। तो हम लोगों ने उन्हें बोला कि आप जो है 112 नंबर पर ये आप एप्लीकेशन लिख कर दीजिए ऑफिशियली, 112 नंबर पुलिस जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल हैं, कि वो बिना टीओपी पीएमसीएच की अनुमति के किसी डॉक्टर से कैसे चले आए मिसबिहेव करने। तो ये लिख कर भी जो यहाँ के टीओपी हैं वो नहीं दे रहे हैं, और उनका व्यवहार हमेशा से ही दुर्व्यवहारपूर्ण, या क्या पता क्या समस्या है उन्हें, हमें हमारी तरफ हमारे प्रति अच्छा नहीं रहता है। तो हम चाहेंगे, यही अपनी बातों को हमने रखा है रेस्पेक्टेड सुप्रिंटेंडेंट सर के पास, और हम उम्मीद करते हैं कि वो सुनवाई करेंगे इस चीज़ का। कार्य बहिष्कार किया है आपने? हम लोगों ने भी चेतावनी दी है कार्य बहिष्कार की। बात यह है कि जिस डॉक्टर को मारा गया है उसी डॉक्टर का भी ड्यूटी है, तो कहीं ना कहीं जिस डॉक्टर को मार लगे मैं भी ड्यूटी में था, तो आखिर वो अपना बात तो बोलने आएंगे। तो जिन डॉक्टर का ड्यूटी था वो तो मैं हूँ, यहाँ पर हूँ, तो कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार तो हो ही गया एक डिपार्टमेंट में। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं जो हमारे मित्र हैं या जो शुभचिंतक हैं, हमें भी अपने जान को देखना पड़ता है, हमें भी अपना सुरक्षित रहना है, तो इस कारण से कार्य बहिष्कार तो अभी हो रहा है, लगातार रहेगा आप लोगों का। हम चाहेंगे कि सुपरिटेंडेंट जो हमारे जो जेन्युइन डिमांड है उनको मान ले, हमको कार्य बहिष्कार करना बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं। हमारा प्राइमरली है हम पेशेंट को ट्रीट करने आए, कार्य बहिष्कार का हमारा। जिसके बाद मरीज जो है वो पूरी तरीके से बेहाल हो चुके हैं, उनके परिजन जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं मरीज को लेकर दिखाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि पूरा ओपीडी ठप पड़ चुका है पीएमसीएच का, वहीं इमरजेंसी सेवा जो पीएमसीएच की है वो भी ठप हो गई है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पीएमसीएच से आ रही है, जहां पीएमसीएच की नज़ारा हम आपको पीएमसीएच का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें जो कुछ और ही कह रही है। यहाँ पर पीएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर है वो पूरी तरीके से काम को ठप कर दिया है, जिसके बाद मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंचकर जूनियर डॉक्टर को समझा रहे हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। लगातार जूनियर डॉक्टरों के साथ जो है परिजन के, जो मरीज के जो परिजन हैं, हमेशा ये खबरें आती है कि झगड़ा झंझट और हंगामा जैसी तस्वीरें आती है पीएमसीएच से, लेकिन आज कुछ ही ज़्यादा हो चुका है। लेकिन पीएमसीएच में इस वक्त का जो नज़ारा है वो कुछ और ही बदल चुका है। इमरजेंसी जो सेवा है वो ठप हो गई है, जूनियर डॉक्टरों ने काम को ठप कर दिया है, ओपीडी सेवा जो है वो बाधित कर दिया है। यह तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है पीएमसीएच से आ रही है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आगे की जो अपडेट आएंगे हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें देश जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश जी न्यूज़।